नमस्कार दोस्तों, डिजिटल जमाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने कोरोना वायरस पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक क्या है, उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस साइट पर आना होगा, portal.airtelbank.com। तो चलिए हम सबसे पहले लॉगिन हो जाते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, हम लॉगिन हो चुके हैं। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का लोगो दिख जाएगा और राइट हैंड साइड में एक होम बटन, एक बैंकिंग का ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसमें मनी ट्रांसफर, पे बिल्स और कैश ड्रॉप का ऑप्शन है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है वो सपोर्ट का है। अगर आपका कोई रिचार्ज फेल हो जाता है या पेमेंट डिडक्ट हो जाती है या पेंडिंग में कोई चीज़ है तो आप यहाँ सपोर्ट से सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं। जो तीसरा है वो माई बिजनेस है। माई बिजनेस में आपको कमीशन मीटर दिख जाएगा अपना, कितना आपको कमीशन मिला है आपने या कितना अर्न किया है। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जो भी आपने काम किया है, लेजर हिस्ट्री, कितना बैलेंस आया, कितना गया, हर चीज़ का आपको इसमें डिटेल मिल जाएगा। यहाँ ट्रांजैक्शन चार्जेस, कि आपको कौन सी सर्विस यूज़ करने का कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो सारा यहाँ आपको शो होगा। यहाँ आपको जस्ट एक रिटेलर सर्टिफिकेट, जो कि नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, आप अपनी शॉप पे चिपका सकते हैं कि हाँ मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, कंपनी ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है। उसके बाद फ्रिक्वेंटली यूज सर्विसेज, जो सर्विसेज ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, वो यहाँ पर दी गई हैं। चलिए सबसे पहले मनी ट्रांसफ़र है, DMT, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। आप अपने कस्टमर को 0.550 के चार्ज पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के इस ऑप्शन से। केवल एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर का ही आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कमीशन, जो भी आप कमाएंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माइलेज हिस्ट्री, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये पे बिल से इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी ऐसे बिल पे कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप रिचार्ज, DTH या मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। कैश ड्रॉप में आपको, कैश ड्रॉप आपको ऐसे ही समझ आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। कैश ड्रॉप में जैसे किसी कंपनी का लोन, स्विगी, जोमेटो, इनकी पेमेंट कर सकते हैं आप। चलिए मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए अडानी कैपिटल आ रहा है, अनुजारी प्राइवेट लिमिटेड, अरोन फाइनेंस, मतलब इसमें हर सब चीज़ है। IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट, जैसा मैंने बताया, ये सब आप कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आपको ये चलाने नहीं आता है, यहाँ से आप ऑफर्स देख सकते हैं और ये माई ट्रेनिंग का ऑप्शन है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही क्या कैसे करना है, तो माई ट्रेनिंग ऑप्शन से आप सीख सकते हैं। उसके बाद कैश डिपॉजिट है। इस कैश डिपॉजिट से केवल आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स, जिनका आप अकाउंट ओपन करेंगे, फ़िलहाल अकाउंट ओपन की वीडियो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, अपलोड कर दूँगा, सॉरी, क्योंकि पोर्टल पर अकाउंट ओपनिंग, APY ये सब उपलब्ध नहीं है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बहुत सारी सर्विस हैं, अगर आप एक रिटेलर बन जाते हैं इसके, वो मोबाइल पर ही अवेलेबल है, इस पे नहीं, क्या पता फ्यूचर में आ जाए। उसके बाद आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा आप किसी भी बैंक के कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक की 5 मिनी स्टेटमेंट्स आप निकाल सकते हैं। कैश डिपॉजिट नहीं है, जैसा कि RBI के रूल्स के मुताबिक कैश डिपॉजिट बंद हो गया है। यहाँ से VVD सपोर्ट, मतलब आपका कोई ट्रांजैक्शंस फंस गया या कुछ ऐसा हो गया तो। यहाँ पर एक होली हंगामा ऑफ़र चल रहा है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो इनके पास ऑफ़र भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल ट्रांजैक्शन दिख जाता है, टोटल थ्रू पुट डेली आ जाता है, ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन, कितने आपने कस्टमर के रजिस्ट्रेशन किए, कितना आपने ये काम किया, कितनी ट्रांजैक्शंस की। और ये इधर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में रिटेलर का नेम आ जाता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और लॉग आउट का ऑप्शन आता है, और उसी के राइट हैंड साइड के ऊपर एयरटेल इंडिया का वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और यहाँ वॉलेट बैलेंस शो करता है, और आप यहाँ से प्लस का साइन होता है, कितना वॉलेट बैलेंस आपका ऐड हुआ। तो बस फ्रेंड्स, यही था इसमें, और कुछ खास नहीं है, ये सर्विसेज हैं। मोबाइल पे आपको बहुत सारी सर्विसेज एयरटेल पेमेंट्स बैंक में यूज़ करने को मिल जाएंगी,
ये हमने पोर्टल बताया जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रिटेलर ऑथराइज पार्टनर कैसे बन सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू।